हाय फ्रेंड्स, मैं हूं पारुल। मेरे चैनल घर संसार में आपका स्वागत है। आज मैं आपको तरबूज के छिलके की चटनी बनाना बता रही हूं। वीडियो पसंद आने पे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाने के बाद ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। तरबूज के छिलके लिए हैं, जिनका रेड पार्ट रहता है उसे मैंने अलग कर लिया है। सिर्फ जिसका व्हाइट वाला पार्ट रहता है हमें इसे यूज करना है। ग्रीन वाला जो इसे हम अलग कर देंगे। इसे छिलना बिल्कुल आसान है, काफी आसानी से ये निकल जाता है। इसे आप पलट लीजिए। जो पतला वाला हिस्सा रहता है इससे हम इसे एक हिस्सा और काटेंगे। पतली पतली स्लाइस रहती है तो काफी आसानी से इसके छिलके उतर जाते हैं। इस तरह से बिल्कुल आपको पतला पतला ही निकालना है। इस टाइप से मैंने निकाल के पहले ही तैयार करके रखे हैं। आपको कितने लेना है वो मैं बताती हूँ। इस टाइप से जो मैंने निकाला है, इतने बड़े और इतने पतले साइज के मैंने 6 स्लाइस लिए। इसे इस तरह से कट कर लिया। कट करने के पहले मैंने इसे धो लिया था, उसके बाद ही मैंने इसे काटा है। मैंने मिक्सी का चटनी वाला जार लिया है, इसके अंदर आप इसे डाल दीजिए। आधा छोटा चम्मच जीरा, 1 चम्मच नमक, 3 हरी मिर्ची को मैंने थोड़ा सा बड़े टुकड़ों में काट लिया है। मैंने 4 ये सूखी लाल मिर्ची ली है, इन्हें भी इस तरह से आप थोड़ा सा तोड़ के इसमें डाल दीजिए। अगर आपके पास में चिली फ्लेक्स है तो उसे भी डाल सकते हैं। इसी के अंदर फ्लेवर के लिए मैं थोड़ी सी हींग डाल रही हूँ। अगर आपको हींग नहीं पसंद है, इसकी जगह आप इसमें लहसुन का भी यूज कर सकते हैं। मैं बिल्कुल 1/4 चम्मच ही लिया, बिल्कुल थोड़ा सा ही डालना है, बहुत ज्यादा नहीं डालना। अगर आपकी ज्यादा स्ट्रांग है तो आप बिल्कुल थोड़ी सी, एक पिंच ही डालिए। मैंने थोड़ी सी ज्यादा इसलिए डाली क्योंकि मेरी स्ट्रांग वाली नहीं है। इसी के अंदर मैं आधा छोटा नींबू का रस डाल रही हूँ, इससे इसका जो फ्लेवर है काफी बढ़िया आ जाता है। इसी के अंदर मैं धनिया पत्ती ले रही हूँ। धनिया पत्ती का मेरा वीडियो डला हुआ है। धनिया पत्ती को आप 1 महीने तक स्टोर करके किस तरह से रख सकते हैं। मैंने धनिया पत्ती की थोड़ी सी डंडियां भी यूज करी है, आप भी डंडियों के सही थी डालें। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। अभी इस टाइप से थोड़ी सी दरदरी पिसाई, इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला है। इसी के अंदर मैं 1 से 1.5 नाश्ते के चम्मच पानी का यूज कर रही हूँ। काफी अच्छे से ये पीस के तैयार हो गई। ये देखिए बिल्कुल बारीक पीस गई है। इसे हम निकाल लेते हैं। अगर आपको थोड़ी सी दरदरी पसंद है तो इसे दरदरी पीस सकते हैं। इससे ज्यादा अगर आपको बारीक पसंद है तो इसे बारीक भी ज्यादा इसे पीस सकते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आ गया है। आज मैं आपको 2 तरह की चटनी बनाना बता रही हूँ। एक तो मैंने थोड़ी सी स्पाइसी वाली बताई आपको। दूसरी वाली चटनी के लिए मैंने इसी टाइप से 6 पीस लिए हैं। इस तरह से मैंने इसे कट कर लिया है। इसे आप मिक्सी के जार में डाल दीजिए। इसे मैंने छिलका उतारने के बाद धो लिया था, उसके बाद ही मैंने इसे कट करा है। मैंने आधी केरी का यूज करा है। ये खट्टी वाली केरी नहीं है, इसे जो कलमी आम की केरी आती है वो वाली मैंने केरी ली। आधी ही केरी का यूज करा, ज्यादा केरी मैं नहीं डाल रही हूँ। इसी के अंदर 2 हरी मिर्ची डाल रही हूँ मैं। इसमें मिर्ची का यूज मैं थोड़ा सा कम कर रही हूँ। आधा छोटा चम्मच जीरा, 5 कली लहसुन की। अगर आप लहसुन खाते हैं तो इसे आप डालिए, अगर नहीं खाते हैं तो बिना इसके भी आप बना सकते हैं। 1 चम्मच नमक, 2 चम्मच दरदरा कूटा हुआ गुड़। इसे एक बार हम थोड़ा सा पीस लेंगे। इसे थोड़ा सा मैंने इस तरह से पीस लिया। इसमें मैंने बिल्कुल भी पानी नहीं डाला। केरी को पीसने में भी थोड़ा सा पानी निकलता है, तरबूज के छिलके से भी पानी निकलता है। इसी के अंदर मैं थोड़ा सा धनिया डाल रही हूँ। धनिया को मैंने थोड़ा सा डंडी के सहित यूज करा है, इससे जो टेस्ट है काफी बढ़िया आता है। इसे हम अच्छे से पीस लेंगे। बिल्कुल अच्छे से फाइन पीस गई है। इसका कलर भी आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया, एकदम बिल्कुल लाइट ग्रीन कलर आया, क्योंकि हमने धनिया बिल्कुल थोड़ा सा ही डाला था। अगर आप थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालेंगे इसका कलर जो थोड़ा सा डार्क ज्यादा आएगा। इस
फिर इसे मैं निकाल लूंगी। ये देखिए कितना बढ़िया इसका कलर आया, पीसी भी हमारी काफी अच्छे से है। आज मैंने ये दो तरह की आपको चटनी बनाना बताई। इसे हम ज्यादा लंबे समय तक स्टोर करके नहीं रह सकते, आप फ्रीज में रख के इसे कम से कम 2 या 3 दिन, क्योंकि गर्मियों का मौसम है, इससे ज्यादा हम चटनियों को स्टोर नहीं कर सकते क्योंकि तरबूज है ज्यादा जल्दी खराब हो जाता है। इसमें इसके छिलके से बनाया तो छिलका भी ज्यादा दिनों तक नहीं चलेगा। इसे बस आप 2 या 3 दिन वो भी फ्रीज में रखने के बाद आपको जितनी चटनी खाना है उतनी आप निकाल लीजिए, उसके बाद इसे तुरंत आप फ्रीज में रख दीजिए, बिल्कुल भी खराब नहीं होती। जिस चीज को हम फेंक देते हैं उससे आज मैंने आपको चटनी बनाना बताई। काफी सारी वीडियो और मैं भी डालूंगी, इसके अलावा कुछ वीडियो मेरे पहले के भी डले हुए हैं कि आप टूटी फ्रूटी किस तरह से बना सकते हैं तरबूज के छिलके से, वो भी मेरा वीडियो डला हुआ है, उसे आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, प्लीज कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।